हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आचार्य जी आ रही हूँ आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों का और दलितों का बहिष्कार है, ऐसे भी रिएक्शन आ गए इस पूरी खबर पर। पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी है, एक फरमान जिसमें कहा गया, और मैं उन दुकानदारों की भी बातें सुनवा रही हूं जिनको ये कहा गया है लगाने के लिए, और आम जनता की भी बात सुनवाऊंगी, लेकिन नाम पर आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कास्ट भी लगा दीजिए। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस बात को देखते हैं कि कोई भी सामान्य प्रशासन का मसला हो, कोई भी इस देश में समरसता का, एकरूपता का, समान नागरिक संहिता का मसला हो, तुरंत उस पर एक वर्ग कम्युनल फासीवादी राजनीति करता है। और उसका दूसरा निशाना क्या होता है? वो हिंदुओं में जाति खोजने लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भारतवर्ष में हमारे सबसे जो आराध्य हैं, देवी देवता हैं, बाबा अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, देश के दूसरे इलाके में, वहां मुसलमान है, मुसलमान नाम से मिलता है, खच्चर लेकर जाता है, पिट्ठू होकर जाता है, घोड़ा चलाता है, ऊपर तक ले जाता है। क्या किसी ने किसी को मना किया? क्या नहीं मना किया कभी? क्या जब यही लोग कहते हैं कि देखिए ये कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुसलमान रास्ते में शरबत पिला रहा है, फूल बरसा रहा है, तो हम तो कहते हैं बड़ा अच्छा दृश्य है, समरसता का है। तो अगर समरसता का दृश्य वो है तो फिर उसके खाने वाली दुकान पर उसका नाम लिखा होगा तो ये कैसे गड़बड़ हो गया? गलती भाजपा सरकार की है। ये आने के साथ ही ये नियम जो पुराना नियम है, और ये पुराना नियम 2006 का ये लोग दिखा रहे हैं। मैं तो अपने बचपन में राशन की दुकान पे जाता था तो कोटेदार का नाम लिखा होता था, लाइसेंस कब से कब तक के लिए तो वो लिखा होता था, और हर कोई जाके चीनी लेके आता था 5 किलो, कहां किसी को दिक्कत होती। और इतना शर्मनाक घटिया व्यवहार हो रहा है, हर बात में हिंदू मुसलमान, शर्म नहीं आती, हर बात में हिंदू मुसलमान। ये अगर किसी जगह पर किसी कांवड़िए को बाद में पता चले कि वो मुसलमान है और उसका मन खराब हो, वो जिस आस्था को मानता है उसके आधार पर सांप्रदायिक तनाव हो जाए, और कोई एक प्रीएम्प्ट करके प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए थी। इस पर हिंदू मुसलमान क्यों लाएगा? इस देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी, वो अपने आप को यही कह के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? क्यों मुसलमानों के मन में इतना जहर फैला रही है? और ये बिल्कुल दुरुस्त कानून है, हर वक्त लागू होना चाहिए। राइट टू फूड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिटीजनशिप, और ये हमारे नागरिक अधिकार को दिया है, संविधान से मिला हुआ है। इस तरह की हर्षवर्धन जी मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत से ऐसे मुसलमान स्कॉलर हैं जिनका ये कहना है, जिनकी मैंने बयान भी सुना है अपनी रिपोर्ट में, जिनका ये कहना है कि अगर नाम बताया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कावड़ के समय किसी की आस्था अगर ठेस पहुंचती है किसी के भी चलते तो वो विवाद ज्यादा खतरनाक है, तो उस विवाद से बचने के लिए ये बेहतर है, वो विवाद नहीं होना चाहिए, आम आदमी तय करे कि किससे खरीदना है। जी पहले भी ये हुआ है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है जब बाद में पता चलता है कि वो मुसलमान। बिल्कुल, तो फिर कह रहा हूं ना स्पष्ट और से, जिसको और उसका दूसरा आशय ये भी है कि कई लोग, ऐसा नहीं है कि सारे जो लाएंगे वो सिर्फ यही देख कर जाएंगे कि हिंदू की दुकान में ही जाना है, बहुत से लोग फल खरीदने जाएंगे, अपनी चीजें खरीदने जाएंगे, वो मुसलमान से भी खरीदेंगे, किसी भी धर्म के व्यक्ति से खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आ रही हूँ आजवाद साहब, एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश कुरैशी साहब, सीधा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुसलमान भी तो ये देखकर जाते हैं खाने के, भाई उनका हलाल सर्टिफिकेट है तभी हम खाएंगे, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं कि वो तय करे उसे कहां से खाना है? दानिश जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आज मैं सुबह में एक दूसरे चैनल पे था, उस चैनल पर ये दिखाया गया कि बाकायदा जो मुलाजिम थे ऐसे ढाबों पे जिनके मालिक हिंदू थे, वहां पर ये फरमान जारी किया गया कि अगर वहां पर कोई मुलाजिम काम करने वाला अगर दानिश है तो उसको निकालिए, अगर जवाद है तो उसको निकालिए, आपको चाहिएगा तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। उससे बढ़ के जो एक बात और सामने आई है वो ये आई है कि बाबूजी के ढाबे के नाम से एक मुसलमान ढाबा था, उसको पुलिस प्रशासन ने ये
आपके नाम पे बाबूजी जो लिखा है इसके आप या मोहम्मद लगा के और पीछे खान लगाइए, तो ये कौन से संविधान में लिखा है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल साफ और साफ संविधान का हनन नहीं है, संविधान की हत्या है। देखिए किसी की आस्था में आपको एक बात बताऊं, अभी ये महीना जो है अभी खत्म हुआ है हज का, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ हज करने के लिए दुनिया वहां जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए बहुत सारे लोग उसमें शराबी लोग भी होते हैं जो माफी तलाफी के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हम शराब की दुकानें तो बंद नहीं करवा देते। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, पूछिए अभी तक योगी सरकार ने ऑफिशियल फरमान क्यों जारी नहीं किया? आपको तो सबके नाम चाहिए लेकिन आप तो फरमान की भी पहचान नहीं बताना चाह रहे। नहीं, नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल जो ये राकेश जी से सीधे ले लेती हूँ क्योंकि फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है राकेश जी के आधिकारिक कोई बयान नहीं है, कोई आप लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, ये कोई आदेश जो है वो सरकार द्वारा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग बचना चाह रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि ये बार बार विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर हमला है। हाँ मैं ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ दानिश जी। नहीं मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट कर दूं, जो मौजूदा कानून है जो मौजूदा नियम है इसको आप मानिए, इसके लिए कोई फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का संविधान अनुसूचित हो गया, सब पर लागू हो गया, सबको उसको मानना है। क्या सरकार बदलने के बाद हमको कल से फिर बताना पड़ेगा कि नहीं भारत का संविधान आपको मानना है? क्या हमको बताना पड़ेगा क्या कि नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको माननी है? अनुसूचित हो गया कानून तो आपको मानना है, 2011 में अनुसूचित हो गया था उसके बाद से आपको मानना चाहिए था, आप नहीं मान रहे थे, हमने मनवाना शुरू कर दिया। उसका नाम ही इतना है बाबू। नहीं नहीं एक सेकंड नहीं नहीं आप मुझे आपको चाहिए तो मैं लिख देता। नहीं आपका जो अरे भाई जिस नाम से लाइसेंस लिया है, जिस नाम से लाइसेंस, मैं वही कहने वाली थी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम लिखा होगा ना वो एप्लीकेशन बताना पड़ेगा, जो आधार कार्ड पर चस्पा किया होगा, जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम होगा वो नाम बताना पड़ेगा भाई आपको। ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? प्रेशर करवाया, ये नाम से शर्म आती है क्या? माँ बाप ने बड़े आराम से नाम रखा होगा, क्यों शर्मा रही है? अब इस पे क्या कहेंगे? अब भाई एक एक करके मनोज सिंह काका जुड़ गए, काका जी जुड़ गए हैं, थोड़ी दिक्कतों के बाद काका जी आपकी तस्वीर आ गई है हमारे पास। मैं सीधे मनोज जी के पास जा रही हूं। एक बार मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि जो आम दुकानदार है उसे तो दिक्कत नहीं है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी लगाए थे नाम के बोर्ड, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को तकलीफ हो रही है। कट गया आवाज, चली गई आवाज। काका जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी अब आ रही है। मनोज जी मैं ये कह रही थी कि वहां पर बहुत से लोगों से हमने बात की, हाँ, और कई ऐसे लोग हैं, और मैं आगे सुनवाऊंगी भी कि वहां पर आम लोग भी क्या कह रहे हैं, इस पर मोहर है या फिर इसको खारिज कर रहे हैं इस फरमान को, लेकिन बहुत से दुकानदार ये कह रहे हैं हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर करते हैं क्योंकि किसी विवाद से बचने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको दिक्कत नहीं, क्या सियासतदानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? चुनाव भी तो है ना, उपचुनाव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार में किसी धर्म ग्रंथ का शपथ लेकर के सरकार में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए और उनके उनके चारण चंपन करने वाले प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेकर के इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उनका वो काम है कि वो देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे इस देश की एकता अखंडता और बंधुता बढ़ेगी। वो संविधान जिस दिन हम अंगीकृत अधिनियमित किए उसी दिन यह शपथ लिया गया, और इसलिए यह बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि आप यही कांवड़ यात्रा नहीं होती है, बिहार में सुल्तानगंज से पानी लेकर के और लोग झारखंड में जाते हैं देवघर, वहां कहीं कोई ऐसा नियम कानून नहीं। जो सरकार बिल्कुल पाखंडी हो, जो सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेती हो, जो सरकार 13,000 करोड़ रुपए में राम पथ 13 किलोमीटर नहीं बनवा पाती हो, 15,000 करोड़ रुपए में ऐसा मंदिर बनवाई कि उसकी छत एक बरसात नहीं निपटा पाई, टपकने लगी राम का मंदिर टपक रहा हो, तो जो सरकार पाखंडवाद का पूजक हो पोषक हो वो ये मुल्क आपको पता है इस इन 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 चारण चंपनों को और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको पता है कि इस देश में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा? रस खान ने लिखा, और रस खान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज के तो सरकार होते, आज के मुख्यमंत्री होते तो उनको जेल भेज देते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल दिया। सवाल यह है कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, हिंदू मुसलमान कैसे बढ़े इस उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप रोजगार दे नहीं सकते,
परीक्षा के नाम पर रोज पेपर लीक कराएंगे, किसानों के नाम पर हार चढ़ा देंगे। काका जी मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं राकेश जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। आपको यही लेकिन काका जी ये बात हर जगह पूछी जा रही है। काका जी ये बात हर जगह पूछी जा रही है, बहुत देर से आई हैं। सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये फैसला संवैधानिक नहीं है, इस फैसले को सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, और जो लोग इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं वो इस देश में छुआछूत और भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप दलित छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं आप समाज में। हर तरह का बहिष्कार।